नंबर थर्ड देखेंगे 2018 में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर हम सेकंड कर चुके हैं, सेकंड और थर्ड में क्या अंतर है उस पर क्या था देखो ध्यान से फिर से समझा देता हूँ। उसमें इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर था, इस तरीके से सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर, इसमें क्या है, इसमें सिलेंडर के अंदर से हेमिस्फीयर स्कूप कर दिया। स्कूप समझ रहे हो, मतलब जैसे वो आइसक्रीम वाला होता है ना, मैं सॉफ्टी में वो चमचे से आइसक्रीम ऐसे स्कूप करके निकालता है, तो वो जो स्कूप करके निकालता है तो उसके अंदर भी आइसक्रीम की शेप आ जाती है हेमिस्फेरिकल, उस तरीके का ये क्वेश्चन है। स्कूपिंग का मतलब क्या है, काट के निकालना। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया। अब फिर सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इसको मैंने कुछ काट के निकाल दिया, तो ऐसे अगर इस फिगर के ऊपर मैं यहाँ से खड़े होकर देखूंगा, यहाँ से, तो मुझे क्या दिखेगा, ये वाला कर सरफेस एरिया और ये वाला कर सरफेस एरिया और ये वाला कर सरफेस एरिया, क्या ये दोनों हिस्से दिखेंगे, ये देखो ये दोनों हिस्से दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है। हमें क्या करेंगे, सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ क्या है? वो हेमिस्फीयर, और उसका डबल कर देंगे क्योंकि दो है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो TSA पूरी सॉलिड का निकल जाएगा। लेकिन सिलेंडर का CSA निकालने के लिए हमें हाइट और रेडियस पता होना चाहिए, तो हमें देखो दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, एज शोन हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, वही अपना सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर। अब आप कहोगे कि सर हम TSA निकाल रहे हैं, तो TSA में CSA क्यों ले रहे हैं, हम TSA क्यों नहीं ले रहे हैं सिलेंडर का। देखो जब स्कूप करके निकालेंगे तो सिलेंडर का बेस, सिलेंडर का टॉप और हेमिस्फीयर का टॉप दोनों एक हो जाएंगे, और जब हम TSA लगाएंगे तो हम TSA में क्या लगेंगे, सिलेंडर का टॉप और बेस और इसका भी, तो ये एक ही चीज़ दो बार आ जाएगी, तो इसलिए हम दोनों का TSA नहीं ले रहे हैं CSA ले रहे हैं। आई बात समझ में, तो इसी तरीके से CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, अभी निकाला था हमने 2πRh। तो देखो ध्यान से, अभी इसमें वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है, क्यों अभी मैं बता देता हूँ। और इसी तरीके से CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ये कितना हो जाएगा, ये होता है मेरा 2πr², ठीक है, अब इनटू देखो ध्यान से 2πr², अब ये एक का होता है, दो का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों एंड पे हेमिस्फीयर है ना, दोनों ऊपर भी और नीचे भी। आई बात समझ में, तो यहाँ तक क्लियर है, तो ये हमारा समझ में आ गया। देखो कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो ध्यान से देख लो, 2πr², क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, अब इसको सोल्व करना है, तो TSA ऑफ सॉलिड, TSA ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो ध्यान से दोनों को ऐड कर दो, तो 2πRh प्लस 2 जा, चलो इसको ऐसे ही रखो, 2 × 2πr². अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू शुरू में नहीं रखनी है, ध्यान रखना, शुरू में वैल्यू रखोगे कैलकुलेशन लंबी होगी, एक बारी में करते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल, देखो तो 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और आर कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 2πr को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, एच प्लस, यहां से क्या बचा, 2r, ठीक है। अब इसको यहां पे सोल्व कर लेते हैं, 2 × π कितना होता है, 22/7 × r कितना है, r हमें दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, तो इसके 7/2 लिख सकता हूँ, क्यों लिख लिया सर आपने, देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इसलिए लिख लिया मैंने। इसी तरीके से h कितना है, 10 + 2 × यहाँ पे r कितना है, 7/2, तो 7/2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हो गया, बस इतना कर लिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे, देखो इस 7 से ये 7, इस 2 से ये 2, तो इधर कितना बचा, 22, और ब्रैकेट के अंदर कितना बच रहा है, देखो इस 2 से ये 2, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 70, तो अल्टीमेट कितना आ जाएगा, 22 × 70। अब इसको करते हैं, देखो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 17 × 34 = 4 = 3, 17 × 34 = 35 = 36, 37 ये आ गया मेरा इसका आंसर। तो आपने देख लिया कितनी आसानी से मैंने कैलकुलेशन सोल्व करके और कितने सिंपल वे में बिना कुछ ज़्यादा लेंदी मेथड लगाए इसको सोल्व कर दिया। तो उसी तरीके से आप भी इसको एग्जाम में करना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करना, आंसर आपका आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अच्छे से मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।